दोस्तों फाइनली सुरजीत सर का मैसेज आ चुका है। चलिए सुरजीत सर क्या मैसेज के माध्यम से 32,127 एमएम बहनों को अपडेट किए हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सम्मानित ग्रुप के गार्जियन, साथियों एवं बहन, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि मैं एनएम की काउंसलिंग के आधार पर 2018 के रूल के अनुसार नियुक्ति हेतु दोनों तरह से प्रयासरत हूँ, यानी तकनीकी सेवा आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से। साथियों मैं विगत कुछ दिनों से ये दोनों स्तर से काम कर रहा हूँ और सफलता भी मिल रही है और मिली भी है। बहुत ऐसे बात है जो मुझे पोर्टल पे लिखना उचित नहीं होगी, क्योंकि अपनी गोपनीयता बरकरार रखना मेरी कर्तव्य बनती है, क्योंकि मेरी पत्नी बीना कुमारी द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, तकनीकी सेवा आयोग के सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को काउंसलिंग की तिथि घोषित कराने संबंधित कोर्ट की ऑर्डर की हवाला देते हुए आवेदन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अच्छी रिस्पॉन्स लिया गया और काम कराई गई, जिसकी सभी को कॉपी मुझे प्राप्त हो गई है। कल एक घंटे इंतज़ार के बाद, देखिए मुझे इंतज़ार के बाद काम हुई और लेटर प्राप्त हो गई। बहुत कुछ गोपनीय बात है जो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि सरकार स्तर की बात को पोर्टल पे रखना उचित नहीं है, गोपनीयता बरकरार रखना कर्तव्य बनती है। लेकिन ये लोग समझ ले, जो काम अभी तक जो हो गया है और आगे उसको अब अमल करना ही करना है, जो बहुत जल्द होगी, क्योंकि अब बचना मुश्किल है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस मकसद से ये ग्रुप बनी थी और लोग जुड़े थे, अभी तक जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के लिए सहयोग प्राप्त जो हुई है, बहुत ही चिंता की विषय है। इस प्रकार सहयोग आने से साफ दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को आप लोग खुद कमज़ोर कर रहे हैं, जिसका जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे। इसलिए अगर के जितनी है तो जो लोग सहयोग किए भी हैं और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं सहयोग, प्रत्येक आदमी 2,000 सहयोग करें, तभी मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील रख पाऊंगा, अन्यथा जूनियर से ही बहस करानी पड़ेगी। अंत में, अगर रविवार तक ग्रुप के सभी लोग सहयोग नहीं किए तो मेरे पास लिस्ट सहयोग वाले की प्राप्त हो गई है, जो नहीं दिए हैं या नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं उन्हें ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। केस भी लड़ना मुझे ही है कुछ लोगों के साथ, और पैरवी भी मुझे ही करनी है, तो ग्रुप में रहने की कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए अंत में यही कहूंगा कि आप अपने लिए सहयोग करें और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में भागीदारी निभाएं। धन्यवाद सुजीत कुमार, संयुक्त मंत्री, जो कि 10:50 में ये मैसेज मेरे पास आया है सर का मैसेज। और जो भी सर बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, सभी कुछ पोर्टल पे हम नहीं दे सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज़ गोपनीय भी रखा जाता है, काम होने के बाद ही आपको बताएंगे। दूसरी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीका से आना चाहिए सहयोग राशि, वो सहयोग राशि नहीं आई है। तो सर अंत में ये भी लिख दिए, क्योंकि अभी वकील साहब को 7.5 लाख देना था और अभी तक नहीं दे पाए, तो इससे आप साफ जाहिर है, आप सोच सकते हैं, जो जूनियर वकील से अगर बहस होगी तो फिर सोच लीजिए इसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में जूनियर वकील से बहस करवा रहे थे, लास्ट में हम लोग को रखना पड़ा एक वरीय वकील। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं ये केस को जीतना, तो जल्द से जल्द आप लोग सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। अगर सुरजीत सर को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लाइफ में आप ही को फ्रॉम लव होगा, क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद आप खुद सोच रहे हैं, रोने के अलावा पूरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगी। तो दोस्तों, जो जानकारी सर को देना था इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं, और सर भी आपको मैसेज के माध्यम से बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और 12 बजे लाइव आते हैं तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।